संजय राव जेल के अंदर हैं और पहली बार उनके बगैर सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली की, जिसमें कई लोग भी पहुंचे थे। मुंबई के गोरेगांव में हुई इस रैली में संजय राउत के लिए बाकायदा कुर्सी लगाई गई थी, जो कि खाली थी क्योंकि राउत तो जेल में बंद है। और मंच से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का नाम भी लिया, बहुत कुछ कहा भी, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, इसके गंभीर और बहुत बड़े मायने हैं दोस्तों, जो कि हैरान करने वाले हैं, क्योंकि भरे मंच से उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ कहा संजय राउत को लेकर, सेना को लेकर, मुन्ना भाई का नाम लिया, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे संजय राउत से डर गए हैं? क्या राउत के पैतरे ने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया, चित्त कर दिया, क्योंकि बवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है। तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ मुंबई में, राउत की खाली कुर्सी के असली वाले मायने क्या हैं, और कैसे संजय राउत की हरकतों ने उद्धव ठाकरे को भी डरा दिया, घबरा दिया। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपका इस पर क्या मानना है। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे ने कभी कोई रैली नहीं की थी, कोई सभा नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी भी थी, रैली जरूरी भी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बाहर हैं लेकिन संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अकेले ही रैली की। अब इस रैली में सबका ध्यान खींचा उस खाली कुर्सी ने जो कि संजय राउत के लिए लगाई गई थी। जी हाँ, मंच पर कुर्सी लगी थी, बकायदा नाम लिखा था संजय राउत का, लेकिन वो खाली थी क्योंकि राउत जेल में बंद है। अब इसी मंच से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लेकर, इस खाली कुर्सी को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन असली बात जो थी वो कही तो नहीं, लेकिन निकल कर सामने आ ही गई, क्योंकि ये डर या फिर घबराहट हो सकती है। तो पहले बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा, फिर कैसे राउत के पैंतरे ने उद्धव ठाकरे को मजबूर किया, वो भी समझाएंगे। गोरेगांव में हुई इस रैली में वैसे तो उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी बातें कही, अमित शाह पर हमला बोला, देवेंद्र फडणवीस पर बात की, बीएमसी के चुनाव को लेकर बात की, और यहीं पर खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके संजय राउत को लेकर भी बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके लिए कुर्सी लगाई गई है और उसे खाली भी रखा गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और राउत को कोई भी हमारे दिल से निकाल नहीं सकता। अब ये तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा उसने साफ कर दिया कि ये सब कुछ करने की जरूरत आखिर उद्धव ठाकरे को क्यों पड़ गई। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत किसी भी सेना में नहीं जा रहे, और मुन्ना भाई भले ही दूसरे गुट में मिल जाएं, मुन्ना भाई भले कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और संजय राउत तो बिल्कुल भी दूसरी या किसी और सेना में नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, यही वो बात थी जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए, क्योंकि यहाँ पर मुन्ना भाई संजय दत्त नहीं है बल्कि कोई और ही है। तो असल में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राउत किसी सेना में नहीं जा रहे, यानी कि जो संजय राउत को राज ठाकरे वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना में जाने की बातें कही जा रही थी, चर्चा चल रही थी, उसी को लेकर ये बात उद्धव ठाकरे ने कही, और इसीलिए उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा, मजबूरी में आकर सामने आना पड़ा कि राउत किसी सेना में नहीं जा रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसमें नहीं जा रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के करीबी लोगों का कहना है कि संजय राउत लगातार राज ठाकरे के संपर्क में हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ बात इनके बीच में बन भी जाए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब इसीलिए मजबूर होकर राज ठाकरे के खिलाफ आकर उद्धव ठाकरे को यहां पर मंच से बोलना पड़ा कि संजय राउत किसी भी सेना में नहीं जा रहे। यही नहीं, संजय राउत के करीबियों का तो यहाँ तक कहना है कि अब तक राउत के समर्थन में उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया, कुछ कहा नहीं, किसी से कोई बात भी नहीं की, कहीं से कोई कोशिश नहीं की, और राउत को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं किया, और इसीलिए संजय राउत के साथ साथ उनके करीबी भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे हैं, और हो सकता है कि इसी वजह से संजय राउत और राज ठाकरे की एक तस्वीर भी बीच में वायरल करवाई गई थी ताकि उद्धव ठाकरे पर प्रेशर पड़े, तो वो प्रेशर पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, राउत का ये पैंतरा काम कर गया, और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने मंच पर राउत के लिए कुर्सी लगाकर उसे खाली छोड़ दिया और राउत का नाम भरे मंच से ले लिया। आगे देखिए, अब यहाँ पर कई बार उद्धव ठाकरे ने मुन्ना भाई का भी नाम लिया। अब आपको यहाँ पर बता दें कि ये मुन्ना भाई का नाम संजय दत्त के लिए नहीं था,
बल्कि उद्धव ठाकरे ने मुन्ना भाई का नाम इस्तेमाल किया राज ठाकरे के लिए। जी हाँ, राज ठाकरे का उद्धव ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ बार बार मुन्ना भाई नाम राज ठाकरे के लिए इस्तेमाल किया और साफ साफ कहा कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और संजय राउत उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पूरा मामला समझिए, संजय राउत के करीबी लोग बार बार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि राउत के लिए कुछ करो, नहीं तो उनके रास्ते खुले हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, राज ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं। और इसीलिए मजबूर होकर उद्धव ठाकरे को न सिर्फ संजय राउत के समर्थन में बहुत कुछ कहना पड़ा, बल्कि राज ठाकरे को भी मंच से खूब सुना दिया। अब हो सकता है कि भरे मन से या कहें कि खुले तौर पर उद्धव ठाकरे संजय राउत के करीब ना दिखना चाहते हों, अपने ऊपर कोई दाग ना लेना चाहते हों, क्योंकि संजय राउत अब दागी हो चुके हैं, घोटालों के आरोप उन पर लग रहे हैं, कई तरह के लोगों को डराने धमकाने के, जबरदस्ती प्लॉट जमीन हथियाने के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे इंसान से हो सकता है उद्धव ठाकरे खुद को अलग दिखाना चाहते हों, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने मजबूर कर दिया। अब ये तो साफ है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के पैंतरे से चित हो गए, क्योंकि अब तक चुप बैठे उद्धव ठाकरे अचानक सामने आए, राउत का नाम लिया, खुलकर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि संजय राउत ही जो उनके पास अब बचे हैं वो भी उनसे अलग हो जाएं, कहीं और न जाएं। और इसीलिए सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे जेल भी जा सकते हैं, जेल जाकर संजय राउत से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात जल्दी हो सकती है। हालांकि राज ठाकरे की भी जेल जाने की खबरें आ रही थीं, तो संजय राउत ने अपने पैतरे से उद्धव ठाकरे को मजबूर कर ही दिया, लेकिन देखना बाकी है कि कौन पहले जेल में संजय राउत से मिलने जाता है, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे, क्योंकि जो भी पहले पहुंचा समझो वहीं पर खेल होगा। और जेल से संजय राउत अपनी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में खासा दखल दिए हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस मामले पर, आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने किस तरह पात्राचल घोटाले से आए मोटे पैसे को अपने परिवार के नाम से फर्जी कंपनियों में बदल दिया, इस पर पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं, मगर अब जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसके मुताबिक संजय राउत ने न सिर्फ फर्जी कंपनियों की शुरुआत की बल्कि इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपयों को फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया। इस केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने धमाकेदार खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया। ठाकरे फिल्म के लिए संजय राउत ने पैसे को पानी की तरह बहाया। भव्य सेट और आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए राउत ने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये सोचने की बात है। तो स्वप्ना पाटकर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया था वो पैसा पात्राचौल घोटाले से आया था, उसी पैसे को राउत ने फिल्म बनाने में लगाया। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने पूरी प्लानिंग के तहत इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की एक कंपनी की स्थापना की और फिर इस कंपनी के जरिए फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए। स्वप्ना पाटकर का दावा है कि राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की कंपनी के जरिए फिल्म ठाकरे का निर्माण किया और उस प्रोजेक्ट में अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगी। राउत ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ठाकरे फिल्म का निर्माण किया।